लेकिन 40% कमीशन में जा रहा है नल जल का। जो बीडीसी का जो सैलरी होता है वो काफी कम होता है, ये तो जानती होंगी आप, फिर भी आप चुनाव लड़ रही हैं और इतना साज बाज के साथ लड़ रही हैं, पूरा पंडाल लग रहा है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, मतलब इतने कम सैलरी के लिए क्यों? तरैया मसरख को जोड़ने वाली ये सामने सड़क है, यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो यहाँ बड़ा ही हुजूम दिखा, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई बड़ी शादी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे लोग इकट्ठे थे और पंडाल बन रहा था। तो हम यहाँ रुक गए और हमने पूछा कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, तो पता चला कि यहाँ के कोई प्रतिनिधि हैं जो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति के बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये तरैया प्रखंड है और पंचायत भी तरैया है, और यहाँ पे एक चचा जी थे जो काफ़ी उम्रदराज हैं, वो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे। तो हमने सोचा कि ये मामला बड़ी तूल पकड़ा हुआ है कि 2500 रुपये की सैलरी के लिए जो मुखिया जी हैं वो 25 लाख खर्च कर देते हैं, आखिर क्यों? तो हम भी यही जानने के लिए कि एक जो बीडीसी का जो सैलरी होता है वो 1000 रुपये के आसपास या उससे भी शायद कम ही होता है, उस पैसे के लिए इतना बड़ा पंडाल आखिर क्यों और इतनी बड़ी हुजूम आखिर क्यों? तो ये बात जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग उन्हीं से पूछ लेंगे, और इसी बहाने हम लोग और ऐसी चीज़ें जान लेंगे जो कि बीडीसी के अंतर्गत आते हैं, जो काम आते हैं, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि आखिर बीडीसी का काम होता क्या है। लोग यूं ही बीडीसी को वोट देते हैं, क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले बनियापुर का दौरा किया हुआ था और वहाँ के एक जीते हुए बीडीसी के प्रत्याशी से बात, जीते हुए जो बीडीसी थे उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि बीडीसी के पद को ही हटा देना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसके अंदर में कोई वैसा काम होता ही नहीं है जिसका महत्व हो। फिर मैंने घर पे आके पता किया, घर पे आके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा तो पता चला कि कुछ काम हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं और वो बीडीसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शायद जो प्रमुख होते हैं उनके अच्छे तालमेल न होने के वजह से वो पंचायत तक पहुँच नहीं पाते। तो वो कुछ बातों का हम लोग अच्छे से जानेंगे। जो यहाँ पे चचा जी हैं और उनकी पत्नी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम पूछ लेते हैं उन्हीं से। चचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मोहन सिंह है। अच्छा, मैं रेलवे से रिटायर्ड पर्सन हूँ। हाँ। मैडम का क्या नाम है? मैडम माधुरी सिंह है। अच्छा, माधुरी सिंह जी। आप हाउस वाइफ हैं जी। अच्छा, चुनाव कौन लड़ रहा है? चचा जी आप लड़ रहे हैं कि मैडम? नहीं नहीं, मैडम लड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैडम से ही सवाल पूछ लेते हैं तब हम। आप मैडम से सवाल पूछ लें। और मैं तो चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता और पति होने के नाते मैं इनको बराबर हर इनके सामाजिक कार्य में सहयोग करता हूँ, और चूंकि अब मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ इसलिए मैं अब फुल टाइम समाज सेवा में ही देता हूँ। अभी आप तरैया ग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अजूबा चीज़ देखने को मिलेगा, पूरे ग्रामवासी लोगों के सहयोग से और पूरे बिहार में बस स्टैंड डाक होता है, लेकिन सिर्फ एक तरैया बस स्टैंड डाक नहीं होता है, क्योंकि गांव वालों के सहयोग से हाई कोर्ट से यह स्टैंड का डाक तुड़वाया हुआ है, और उस चंदे के पैसे से, बस वाले से, पब्लिक से पैसे लेकर के एक विशाल जो आप मंदिर देख रहे हैं उस जो तरैया बाजार पे जो मंदिर स्थित है, तरैया बाजार पे है, उसका निर्माण ग्रामवासियों के सहयोग से, उस निर्माण में मैं भी एक भागीदार। जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें आपने उसको बनवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा। चूंकि उस निर्माण में मेरी अहम भूमिका है, लेकिन बड़ा ही सुंदर मंदिर है यहाँ का, हम लोग घूमे, लेकिन पूर्ण गांव का पूर्ण सहयोग है तभी आज वो बन रहा है। अच्छा, मंदिर पे हम फिर बाद में बात करेंगे, पहले बीडीसी का जो मेन मुद्दा है हम उस पे बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम बताई थी आप अपना? माधुरी सिंह। माधुरी सिंह। अच्छा, हाँ। आप जो हैं बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं, जो बीडीसी का जो सैलरी होता है वो काफ़ी कम होता है, ये तो जानती होंगी आप, फिर भी आप चुनाव लड़ रही हैं और इतना साज बाज के साथ लड़ रही हैं, पूरा पंडाल लग रहा है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, मतलब इतने कम सैलरी के लिए क्यों? मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि हमारे पति सामाजिक कार्य करते हैं और
बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनका कार्य नहीं हो पाता है और उनका काम होना चाहिए, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। अच्छा, मतलब गरीबों का काम करने के लिए आप चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये जो पंडाल है वो बारिश की वजह से, यह जो पंडाल का आप चर्चा कर रहे हैं, चूंकि बारिश इतनी हो रही है कि जो लोग हमारे सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं, जिनके इच्छा से और दबाव से मैं, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनके बैठने के लिए जगह का घोर अभाव था, इसलिए हमने एक पंडाल गिरा दिया कि लोग आकर बैठेंगे। आखिर आप देख ही रहे हैं कि आज 10 दिन से पानी छूटने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस परिस्थिति में तो पंडाल की आवश्यकता है। पंडाल चूंकि तामझाम के लिए नहीं बल्कि लोगों के इस बारिश से बचने के लिए इसको लगाया जा रहा है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, सैलरी इतना कम है फिर भी आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? इसलिए चूंकि सैलरी लाख कम होने के बाद मैं सैलरी के लिए मैं ये चुनाव, मेरी पत्नी नहीं लड़ रही है और ना मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरे सैलरी और मेरे जीने के लिए रेलवे से मुझे पेंशन मिलता है वो पर्याप्त है। मैं देखता हूँ, चूंकि मेरा परिवार एक सेंसिटिव परिवार है, सामाजिक कार्य के दौरान मैं पाता हूँ कि गरीब ऐसे लोग हैं जिनका वृद्धा विधवा आधार कार्ड बनाने के लिए ब्लॉक में पैसे देने पड़ते हैं और वे लोग मेरे यहाँ दौड़ते हैं। जब मैं ब्लॉक में जाता हूँ तो पाता हूँ कि पूरा ब्लॉक ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में अगर मैं उस ब्लॉक के प्रशासन का एक पार्ट नहीं बनूंगा, तो चूंकि मेरी पत्नी लड़ना चाहती है, इच्छुक हैं, इसलिए मैंने इनको उम्मीदवार बनाया और वे लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था में आना आवश्यक है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर बाहर से आप ठीक नहीं कर सकते हैं। चूंकि जब तक मैं सिस्टम के अंदर नहीं जाऊंगा, तब तक मैं कैसे ठीक करूंगा? मैं बीडीसी का, जब तक मेरी पत्नी मेंबर नहीं होगी, तब तक इस यहाँ के गरीब गुरुबों की आवाज़ को बीडीसी में कैसे उठाएगी? चूँकि बीडीसी के लिए सबसे मुख्य काम है कि समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनका उत्थान कैसे किया जाए, यह बीडीसी के ड्यूटी का, कर्तव्य का एक पार्ट है। और उस आवाज को जब तक बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी में नहीं उठाया जाएगा, तब तक वो काम नहीं होगा, इसलिए चुनाव लड़ना आवश्यक है। अच्छा, चाचा जी ने एक बात कही कि गरीब गुरुबों के कल्याण के लिए मतलब बीडीसी काम करता है। हम दो जगह गए हुए थे, मतलब ऐसे ही गुजर रहे थे तो वहाँ चले गए कि बीडीसी का हम इंटरव्यू लेंगे, बीडीसी प्रत्याशी थे वो, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि बीडीसी का काम क्या होता है। चाचा जी ने बिना पूछे ही ये बात बताई कि गरीब गुरबों का जो विकास के लिए काम होता है वो हम करेंगे, तो इससे इतना तो पता चलता है कि चाचा जी को ये पता है कि बीडीसी का काम क्या होता है, और जिसको काम पता है वो काम कर ही देगा। समझिए एक बात को, कि जिसको पता ही नहीं है कि बीडीसी का काम क्या होता है वो काम क्या करेगा। चाचा जी एक बात बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं, ठीक है, तो तीन काम वैसा जो आप उसको प्राथमिकता देंगे और सबसे पहले करेंगे और अच्छे से करेंगे। सबसे पहला कार्य होगा कि ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराना। अच्छा, अगर बीडीओ साहब दबाव बनाने लगे तो कहें कि मिली जुली तो सबकी होती है। मेरी ईमानदारी की चर्चा और मेरे व्यक्तित्व की चर्चा पूरे प्रखंड में है, इसलिए बीडीओ साहब के दबाव बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। दूसरी चीज, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जिस व्यक्ति और जिस स्कीम के लिए आई हैं उसको उस दरवाजे तक पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और जब भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा तो स्वतः सरकारी योजनाएं उस व्यक्ति के दरवाजे तक जाएगी जिसके लिए सरकार ने भेजा है। दूसरा काम, आज हमारे यहाँ प्रशासनिक, पुलिस प्रशासनिक दबाव इतना गलत तरीके से हो रहा है कि गरीब लोग, झगड़ा अगर आपस में हो गया तो वे लोग पुलिस को पैसा देते हैं, इसके बावजूद भी FIR नहीं होता है। इस दिशा में मैं कार्य करूंगा। तीसरा काम, जो भी विकास के कार्य हैं उसको, आज तरैया प्रखंड का हरकपुरा एक ऐसा ग्राम है जहां तमाम चमटोली, भगत जी का टोला या आधी आबादी बिना सड़क के है, इसलिए उस दबे कुचले परिवार को सड़क मुहैया कराना मेरी प्राथमिकता होगी। और हमारे तरैया में एक
टोला है जो आज तक सड़क से वंचित है, उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। कौन सा टोला है वो? मतलब तरैया पंचायत में ही आता है ना? तरैया पंचायत में कुहार टोला के पास एक चमर टोली है, जहाँ आज तक सड़क नहीं है। आज भी धान के खेत में पानी हेल करके लोग जा रहे हैं। मतलब वहाँ अभी तक सड़क है ही नहीं। शुरू से नहीं है कि था? नहीं, सड़क है ही नहीं। मतलब आजादी के बाद सड़क ही नहीं बना? सड़क ही नहीं बना। तो वहाँ तक पहुँचाना, और हरकपुरा के आजादी के बाद से जो आधी आबादी जो बिना सड़क की है, उसको सड़क मुहैया कराना मेरी प्राथमिकता होगी। हमारे जो नीतीश कुमार हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उनका ये हमेशा दावा होता है कि जो हमारी सरकार है वो पुल पुलियों और सड़क की सरकार है, हमने गली गली तक सड़क मुहैया करा दिया है। लेकिन उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि आज़ादी के बाद से आप तो 15-20 साल रह रहे हैं, कैसे भी इधर उधर करके आप हैं सत्ता में, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो पुल पुलियों की सरकार है और सड़कों की सरकार है, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। तो आपका ये जो जाल है ये कहाँ है? चचा बता रहे हैं कि गांव में ऐसा भी एक टोला है जो कि ये जो मेन रोड है, मेन रोड के बगल में वो टोला है, और वहाँ तक अभी तक रोड पहुँचा ही नहीं, वहाँ खेत में लोग चलने को मजबूर हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ये जो दायित्व है यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, BDC हो गए, सरपंच हो, सरपंच का नहीं कर सकते क्योंकि उनका वो जो काम होता है वो कानूनी काम ही होता है, तो मेन जो है BDC का और मुखिया और वार्ड का भी है, उन्होंने भी कुछ खासा ध्यान दिया नहीं है, तो ये देखने की ज़रूरत है। चाचा जी, और आप बताइए, आप क्या बता रहे थे काम के मामले में? आप बता रहे थे कि अभी जितना भी विकास का कार्य हुआ उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है। कोई गुणवत्ता नहीं है। नीतीश जी ने नल जल की योजना को लागू किया, लेकिन अगर पूरे तरैया पंचायत में देखा जाए तो 10% भी नल जल कार्यरत नहीं है। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जैसे हम लोग एक पंचायत घूम रहे थे तो वहाँ के जो वार्ड थे उन्होंने बताया कि हमें वीडियो तक पैसा पहुँचाना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे पास प्रमाण तो मौखिक प्रमाण है, रिकॉर्डी प्रमाण नहीं है, लेकिन 40% कमीशन में जा रहा है नल जल का। और मैं आपको बताऊँ कि हमारे तरैया प्रखंड के 12 नंबर वार्ड में BDO साहब आए थे इंक्वायरी करने, और 2 व्यक्ति ने शिकायत की पटना तक, कलेक्टर तक शिकायत किया, लेकिन BDO साहब लीपा पोती करके रह गए और आज तक वह नल जल सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। इतना घटिया किस्म का पाइप लगा है कि पाइप का पानी चलता है और तुरंत फट जाता है और सड़क उससे बाधित हो। वो इंस्पेक्शन करने आए थे कि कमीशन मांगने आए थे? देखिए, वो तो दिखाने के लिए, इंक्वायरी के लिए आए थे कि पटना से चिट्ठी आई है, क्योंकि उस टोला के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं गया, तब BDO साहब ने कहा कि पटना से इंक्वायरी आई है, हमने बड़ी खुशी की बात है, आप इसको कब तक सही करा देंगे? तो 15 दिन। लेकिन 15 दिन के बजाय आज मैं समझता हूँ कि 6 महीना हो गया, और पटना के इंक्वायरी का ये हर्ष हुआ कि लिपा पोती करके BDO साहब उसको रख दिए, और वह आज भी पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में जो गरीब गुरबों की आबादी है, ठीक है, उनको रोजगार के लिए जो मान लीजिए कि गांव के स्तर पे आप उनके उत्थान के लिए रोजगार कैसे उत्पन्न करेंगे? सबसे पहले हमारे पास देहात के भीतर आज बिजली की उपलब्धता हो चुकी है, उसके माध्यम से कौशल विकास सरकार की योजना के माध्यम से नौजवानों को मैं ट्रेन कराऊंगा, उनको जो जिसकी रुचि जिस फील्ड में होगी उस फील्ड में ट्रेनिंग दिला करके मैं उनको रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। मुद्रा योजना जो भारत सरकार की है, मैं उस मुद्रा योजना के माध्यम से उन नौजवानों को आर्थिक मदद दिलाऊंगा जिससे वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सके, जिसमें वे अपना रोजगार स्टार्ट कर सके। आज तमाम डेयरी फार्म कागज पे चल रहे हैं, मैं उसको जमीन पे लाने का कार्य करूँ। मतलब वो सिर्फ कागजों पे रह जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग करने वाले हैं उनको ये मुहैया नहीं हो पाता है।
इसलिए वैसे तमाम बेरोजगारों को इन कार्यों के माध्यम से मैं रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करूंगा। बहुत अच्छी आपने बात कही। बड़ा कम ही ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें मजा आए। कहने का मतलब ये है कि जो हम सवाल पूछते हैं उसमें लोग फंसते नजर आते हैं, लेकिन मैंने चाचा जी से एक सवाल पूछा, उन्होंने मैं जिस लेवल पे संतुष्ट होता उनके जवाब से उससे बढ़ के इन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने रोजगार उत्पन्न कैसे करेंगे इसकी भी जानकारी दे दी। सब लोग ऐसे कह देते हैं कि हाँ हम रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि हम करेंगे कैसे। बहुत ही अच्छी बात है चाचा जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। और कुछ बताइए आप, और क्या करेंगे? और तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे नौजवान रोजगार परख हो जाएंगे तो फिर हमारे गांव में टोला में सबसे बड़ी बात है कि वे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, और तभी मेरा समाज शांतिपूर्वक ढंग से रह पाएगा। आज बच्चे को हाथ को काम नहीं मिल रहा है जिसके वजह से वे गलत रास्ते पर जाते हैं, लेकिन जब वो काम में व्यस्त रहेंगे तो वे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो फिर मेरा समाज अच्छे दिशा की ओर बढ़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनसे हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो है, अच्छा जहाँ इतने लोग हैं चाचा जी, आप लोग चाचा जी के रिश्तेदार हैं कि मतलब सपोर्टर हैं? सपोर्टर हैं, रिश्तेदार नहीं ना है? रिश्तेदार होते तो उनके पक्ष में आप बात बताते, मतलब सपोर्टर हैं। अच्छा एक बात बताइए चाचा जी, आपका नाम क्या है? श्रीकांत सिंह। मान लीजिए कि चाचा जी ने बहुत बात कही कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद अगर मुकर गए तो? जीतने के बाद मुकरने का सवाल ही नहीं है कि पहली बार नहीं है, इसके बाद इसके पहले बहुत से कामों पर खड़े उतरे हैं और उसी विश्वास के साथ हम लोग समर्थन में हैं। मतलब आपको पूरा विश्वास है क्योंकि आपने पहले काम देखा हुआ है चाचा जी का? जी जी। फिर भी अगर मुकर जाते हैं तो? ऐसा तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। संभावना ही नहीं है। अच्छा क्या नाम है चाचा जी आपका? सुमीर पटेल। सुमीर पटेल। अच्छा आप काम क्या करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते हैं। इन पे आपको भरोसा है पूरा? पूरा। क्यों? जो हम लोग काम देख रहे हैं। कितना दिन से काम देख रहे हैं? करीब करीब 30 साल हो गया। 30 साल से आप देख रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? हरमंदर सिंह। आप काम क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस करते हैं। अच्छा क्या गारंटी है कि चाचा जी जो बात बोले हैं वो सब वो काम करें? हम लोग हो सवास में आए हैं तब से उनको अच्छे ही देखे हैं, अच्छे काम करते हुए देखे हैं, इसलिए भरोसा है कि अच्छे ही करेंगे, यही सत्य है। देखे हैं? हाँ अच्छा ही। हाँ देखे हैं, यही सत्य है। चलिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो तो बोल रहे हैं कि चाचा जी बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनको भरोसा है। जैसे होता है कि जो आदमी का व्यक्तित्व होता है गांव के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, जो ऊपर का चुनाव होता है विधानसभा लेवल का, तो उसमें सिर्फ जो हवाएं होती हैं, हवाएं जो बातों की हवा होती है, जो प्रचार की हवाएं होती हैं, उस पर चुनाव जीता जाता है। लेकिन जो पंचायत लेवल का चुनाव होता है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है गाँव में कि यहाँ पर चीनी और दाल के लेवल पर लड़ाई लड़ी जाती है, तो जो भी लोग हैं वो चाचा जी को बड़े अच्छे से जानते हैं। देखते हैं चुनाव जीतने के बाद हम अवश्य आएंगे, या और भी आपको यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाएंगे। चाचा जी ने एक मंदिर का जिक्र किया है, हम कोशिश करेंगे कि उस मंदिर को भी दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।